हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट डे वी विल लर्न एंड एक्सप्लेन द रिलेटिव प्रोनाउंस. ओके, थ्री सेंटेंस, जॉइन एंड एक्सप्लेन इट. ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट एक्सप्लेन फोर्थ सेंटेंस. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. दिस इज द मैन, हिज लेग वॉज ब्रोकन in an accident. Okay, so here are two sentence. Okay, add in these two sentences. So this is the man whose leg was broken in an accident. Okay, यहाँ देखिए, पहले मैं आपको हिंदी में मीन समझाती हूँ तो आपको easily समझ में आ जाएगा. Okay, दिस इज़ द मैन. ओके, यह आदमी है. हिज लेग वॉज ब्रोकन इन एन एक्सीडेंट, इसका उसका पैर एक एक्सीडेंट में टूट गया. ओके, नाउ ऐड करने के बाद देखिए, ज्वाइन किया हमने टू सेंटेंस को, तो दिस इज़ द मैन हुज लेग वॉज ब्रोकन इन एन एक्सीडेंट. सो हुज इन टू सेंटेंस को ऐड करने में, है ना, विच वर्ड यूज इज कॉल्ड हुज. ओके, हुज आर रिलेटिव प्रोनाउन. ओके स्टूडेंट, सो यह जो आदमी था जिसका पैर एक एक्सीडेंट में टूट गया, तो हुज का यहाँ हिंदी मीन हम जिसका, जिसका या जिसकी होता है उसका हिंदी मीन. ओके, जो जिसका यूज ऑनरशिप एंड पोजिशन के लिए किया जाता है, तो ऑनरशिप मीन्स इसका पैर, इस आदमी का पैर, तो यह उसी का अधिकार हुआ ना उसके पैर पर. ओके, सो यह जो आदमी है उसका पैर एक दुर्घटना में या एक्सीडेंट में टूट गया. ओके, दिस इज द मैन हुज लेग वॉज ब्रोकन इन एन एक्सीडेंट. तो हुज, हुज क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन. ओके, नाउ नेक्स्ट, द वूमेन इज माई मदर, सी इज कैरिंग द ट्रे. ओके, सो हेयर आर टू सेंटेंस, एड इन दीज टू सेंटेंस. ओके, द वूमेन हु इज कैरिंग द ट्रे इज माई मदर. सो हु, ओके, टू सेंटेंस को ज्वाइन करने में हु रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज हुआ है. ओके, ये लुक एट दिस पिक्चर, द वूमेन इज माई मदर, ये जो औरत है ना, मेरी माँ है, वह ट्रे ले जा रही है. ये देखिए, हाथ में इसकी ट्रे है ना. यस, तो यह महिला, महिला या औरत, हु का यहाँ हिंदी मीन क्या है, जो महिला जो ट्रे ले जा रही है वह मेरी माँ है. ओके, सो जो, जो यहाँ पर हिंदी मीनिंग उसका होगा. ओके, महिला जो, औरत जो ट्रे ले जा रही है वह मेरी माँ है. ओके स्टूडेंट्स, ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज द हट, जॉन बिल्ट इट. ओके, सो हेयर आर टू सेंटेंस, सो एड इन दीज टू सेंटेंसेस. ओके, दिस इज द हट दैट जॉन बिल्ट. ओके, सो दैट, दैट आर रिलेटिव प्रोनाउंस. ओके, तो हिंदी मीन हम इसका जानते हैं, यह एक झोपड़ी है. ये देखिए, लुक एट दिस पिक्चर, यह एक झोपड़ी है, जॉन ने इसे बनवाया था. ओके, किसने बनवाया था, जॉन ने. सो दैट, दैट का यूज़ हुआ है यहाँ पर, तो दैट का यूज़ पर्सन के साथ किया जाता है, एनिमल और थिंग के साथ भी. ओके, परंतु, बट ओनली, ओनली पर्सन, ओनली जिस सिर्फ एक के लिए जहाँ पर बात की जा रही हो. ओके, तो यहाँ बात हो रही इस झोपड़े की. ओके, हट की, दिस इज द हट, यह एक झोपड़ा है जिसे किसने बनवाया था, जॉन ने बनवाया था. ओके, तो यह एक झोपड़ी है जो जॉन ने बनवाया था. ओके, ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस, वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट वीडियो. ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय.